भारतीय सेना में सैनिकों एवं अधिकारियों को विभिन्न रेजिमेंटों में बांटा गया है। इन रेजिमेंटों को जरूरत के हिसाब से मोर्चों पर भेजा जाता है। एनएमएफ न्यूज आपको बताएगा कि भारतीय सेना की सबसे तेज तर्रार रेजिमेंट पैराशूट रेजिमेंट के बारे में कि आखिर ये रेजिमेंट कब बनी और कैसे काम करती है। पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना आजादी से पहले 29 अक्टूबर 1941 को हुई थी। मौजूदा समय में लेफ्टिनेंट जनरल एनकेएस घई इस रेजिमेंट के प्रमुख हैं। ये रेजिमेंट देश के सभी सैन्य बलों को हवाई मदद पहुंचाता है। सन 1999 में कारगिल युद्ध के समय 10 में से 9 पैराशूट बटालियन की तैनाती ऑपरेशन विजय के लिए हुई। कारगिल युद्ध में पैराशूट बटालियन 6 और 7 ने मुश्को घाटी को फतेह किया, वहीं पैराशूट बटालियन 5 ने बटालिक पॉइंट पर फतेह हासिल की। भारत म्यांमार सीमा के पास आतंकवादियों के शिविरों पर भारतीय सेना का अभियान काफी चर्चा में रहा था। इस हमले में कई आतंकियों की मौत हुई थी, जबकि भारतीय सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ। दरअसल ये हमला पैराशूट रेजिमेंट के 21 पैरा एसएफ के सैनिकों ने किया था। सेना ने हमले में मारे गए आतंकवादियों की आधिकारिक संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन इनकी संख्या 15 से 25 के बीच में होने का अनुमान है। पैराशूट कमांडो ने इस ऑपरेशन को इतनी सावधानी से अंजाम तक पहुंचाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। करीब 20-25 की तादाद में पैराशूट रेजिमेंट के 21 पैरा कमांडो MIS-17 चॉपर से म्यांमार की सीमा के पास स्थित जंगल में उतरे। सेना की आतंकी अपने शिविर में थे और उन्हें उस वक्त आवाजाही की कोई भनक तक नहीं लगी। 45 मिनट के इस ऑपरेशन में 2 आतंकी शिविर उनके निशाने पर थे और एक एसएफ बटालियन में 4 सामान्य टीम होती हैं और हर टीम में 100 कमांडो होते हैं। बाद में इन कमांडो को दलों और टुकड़ियों में बांटा जाता है। जब तक ये आतंकी कुछ सोच पाते, कमांडो उन पर टूट पड़े।